सैनिक चौक बुनतर कुल्लू के प्रवेश द्वार का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। ये यहाँ का व्यस्ततम चौराया है, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई रेड लाइट, ना जेब्रा क्रॉसिंग, ना ही बिजली की उचित व्यवस्था है। इस चौक के ठीक सामने रहने वाले 93 वर्ष के वयोवृद्ध नागरिक पंडित जगन्नाथ जी का कहना है कि सरकार ने उनसे ये जगह नेशनल हाईवे के लिए ली थी, लेकिन इस पर भी एक शेड, ऑटो स्टैंड और बिजली के पोल लगाकर अवैध कब्जा किया है, जिसके लिए उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई और लिखित में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। आश्वासन तो सभी देते हैं, लेकिन आज तक ये अवैध कब्जे हटाए नहीं गए। न्यूज़ प्लस को उन्होंने खुद वहां जाकर यह सब दिखाया। सुनिए आप उनसे उन्हीं की जुबानी। न्यूज़ प्लस के लिए पुंतर से दीपक कुलवी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इसमें हम कुल्लू के प्रवेश द्वार भूमतर में हैं और ये भूमतर का सैनिक चौक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। इसमें हमारे साथ जो भूमतर के वयोवृद्ध 93 साल के जो सबसे यहाँ के एक मशहूर हस्ती है पंडित जगन्नाथ जी हमारे साथ है, उनका स्वागत करते हैं न्यूज़ प्लस चैनल पर। इनकी जो कुछ इन्होंने कुल्लू भर्ती के लिए किया है वो बहुत कुछ है, बहुत इनके साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत है ये तो, लेकिन इनको कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ के वयोवृद्ध नागरिक भी हैं और भूमतर के लिए बहुत कुछ किया भी, लेकिन यहाँ इनकी जो दिक्कतें हैं, इनके सामने पेश आ रही हैं कि भूमतर में क्या परेशानी है, वो चाहूँगा थोड़ा पंडित जी बताएंगे। यहाँ भूमतर का जो सैनिक चौक है जी, ये बिजीएस है यहाँ, बिल्कुल चारों तरफ को यहाँ से सड़कें जाती हैं जी, और यहाँ से ही होकर के सब मणिकर्ण को जाती है, दिल्ली को जाती है, बाजार को जाते हैं, पचमंडी को जाते हैं। इसमें ट्रैफिक होता है यहाँ सुबह 10 बजे के करीब, 11 बजे के करीब से दोपहर तक, यहाँ पर हर क्रॉस करने बड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने चौड़ा स्थान होते हुए भी यहाँ आर से पार तक है, लेकिन आप 70-80 चौड़ी घर करें, लेकिन उसका तकरीबन 1500 फीट से ज़्यादा, 1700 जगह है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं कैमरा मैन से कहूँगा, सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसको मैं कुछ 10-11 साल से दिखता रहा हूँ। तो आपने प्रशासन से बात की है कोई इस बारे में? बहुत मैंने केंद्र सरकार को लिखा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लिखा और इससे नेशनल हाईवे इन्वायरमेंटल हेडक्वार्टर उनको भी लिखा, वहाँ डिप्टी प्रिंसिपल साहब को लिखा, लेकिन कितनी जगह मतलब कोई सुनवाई नहीं, लेकिन ऑर्डर हो जाती है। अच्छा, आपकी बात तो ठीक है, हम ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर आ जाता है और आगे से आगे ट्रांसफॉर्म होता है, सब पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट कोई नहीं कर रहा अभी तक भी। लेटेस्ट ऑर्डर है, मैं कुल्लू में गया, मैं पर्सनली मिला जा चुके SDM साहब से, अभी साफ हो रहा है, इसमें ऑर्डर हो चुके, आपके भी ऑर्डर हो चुके, कोई अमल नहीं हो रहा, यहाँ कितने डिप्टी कमिश्नर है, सबके साथ लेता कितने हैं, मैंने लिखा उन सब ने कहा अभी ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर हो नहीं जाएगा, इंक्रीमेंट कोई नहीं अभी तक। ये नेशनल हाईवे का बिल्कुल नेशनल हाईवे का है सारा, और ये खुल जाए तो यहाँ कुछ बात ऑटो स्टैंड है या स्टैंड है और किसी को सब इलीगल है, सब इलीगल लगा दिया है, साथ में रूम सेंटर बना दिया है, यहाँ कौन से शेयर इससे पहले बिजली वालों ने ट्रांसफॉर्म लगा दिया, देखा देखी इनको सबको ऑर्डर, बिजली वालों ने अल्टरनेट का हिंदी सुना था, वहाँ पर थोड़ा बुरा काम छोड़ करके इधर देखा चलने के लिए ट्रांसफॉर्म है बना दिया, और ये सारी चीज़ें भी हम कुछ यहाँ बोर्ड लगे हैं इधर सबसे इलीगल, और बोर्डों के आप भारत देखिए, अब इस पर आप क्या पढ़ रहे होंगे, या जो भी यहाँ पर लोग आते हैं या पर्यटक आते हैं, ये भूमतर एक कुल्लू का प्रवेश द्वार है, यहाँ का हवाई अड्डा यहाँ से 12 किलोमीटर पे है, आप कोई टूरिस्ट यहाँ से क्रॉस करके ये देख लीजिए आप, ये बोर्डों की हालत क्या है क्या है, तो ये बोले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो है प्रशासन को देखना चाहिए कि यहाँ पे जो नागरिक है यहाँ के कितने परेशान हो रहे हैं, तो ये जो जितनी भी दिक्कत है ये प्रशासन को आगे बढ़ कर उसको इसका समाधान कोई निकालना चाहिए। तो मैं न्यूज़ पर के माध्यम से ये विनम्र आग्रह करता हूँ प्रशासन से कि जो भी यहाँ दिक्कत है
उसको ये दूर करे। और मैं पटेल जी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ, तो धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है आपको और अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊँ। ये देखिए चौक है, पहले ही यहाँ पर नहीं था, तो मैं अपने मेरे पास कोई अतिथि आए थे, रात 8 बज गई थी, सचिन चौधरी जी मैंने खोली है कार चढ़ा दिया है। जाने के बाद मैं इधर को आना था वार को यहाँ से, और मैंने सारा इधर उधर देखा, कोई गाड़ी नहीं आती, लेकिन मोड़ है आपका, टाइम है खड़ी है, एक जोर से एक ट्रक घर से आ रहा था मंडी की तरफ से आ रहा था। मैं बीच वहाँ पर चौक है नहीं, मैं घबरा गया कि मैं पीछे को हूँ, इसका पता नहीं कि किधर को जाना है, खड़ा रहूँ तो मेरी सीट में आ रहा है, मैं भेड़ बनने हो गया कि मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ। आखिरकार मैंने ये सोचा कि मैं आगे को गया तब भी मरता हूँ, खड़ा हुआ तब भी मरता हूँ, पीछे को नहीं जा सकता, तो मैं एक कम सीन पर लेट गया। मैं कहिए मेरे को फोन कर कृपा से उसने एकदम ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगा दी और मेरे से दो सौ रुक गया, नहीं तो मेरा तो कुछ ना निकल जाता और मेरे से उठा ना जाए। कर्मचारियों को देखा दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, उसने मेरे को काम के लिए आपको चोट तो नहीं लगी, मैंने चोट से इधर तक पहुँचाया। उसने ट्रक वाले से कहा शहर की जगह है, गाँव की जगह है, हमारे इतना मेरे हिसाब से यहाँ का समाधान है, यहाँ हेलमेट होने का बहुत जरूरी है, कुछ मराहा है यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती हैं, यहाँ पे थोड़ा कई एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुके हैं, तो हम पहले भी न्यूज़ पर से जो है खबर कई बार लगा चुके हैं कि यहाँ पे जो है रेड लाइट होना बहुत जरूरी है। खाली इसी पे नहीं, इसके आगे दूसरा चौक मणिकरण चौक है या आगे जो मणिकरण की तरफ है वहाँ पे चौक जितने भी वहाँ पे रेड लाइट होना बहुत जरूरी है। अब एक ट्रैफिक पुलिस वाला कितना कहाँ तक कंट्रोल करता है, तो मैं चाहूँगा कि प्रशासनिक चीज़ों को देखें और ये जो समाधान इसका करके। न्यूज़ पर घूमतर पुलिस में दीपक कुलवी, धन्यवाद। फुटपाथ होना बड़ा जरूरी है पैदल चलने वालों के लिए, बिल्कुल नहीं, कम से कम 1.5 मीटर।